हेलो गाइस, मैं हूं आपका अकबर अहमद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम हैं आज मलियाबाद में और हम यहां पे करने आए हैं लखनऊ के सारे क्रिएटर के साथ में अमेजिंग सी पार्टी। और यहां पे हम लोग आज तैयार कर रहे हैं 5 किलो का खड़े मसाले का चिकन। तो आपका बन रहा है चिकन का, प्याज है, गरम मसाला है, तेज पत्ता है, पूरा यानी है। अभी ये जब तक लाल हो जाएगी उसके बाद जो ये हमारा चिकन है ये यहाँ पे डाला जाएगा। और साथ में हमारी आग जल रही है। और जो गांव का जो बनाने का जो मजा है भाई वो एकदम डिफरेंट है। अगर आप भी गांव से होंगे, कभी नानी दादी के यहाँ गांव में गए होंगे, तो यकीन के साथ मैं कह सकती कि भाई आपको जो याद है ना वो जरूर आएगी। कहते हैं दीपक भाई, जबरदस्त भाई, हम भी ये सब करवा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे जो जरूरी बात होती है अगर आप गोश्त बना रहे हैं या फिर बिरयानी बना रहे हैं, तो जो आपका मसाला है और प्याज है वो नीचे लगने ना पाए। क्रेडिट जो है वो अंकुर भाई को जा रहा है, क्योंकि वो पूरी तैयारी किए हैं, जितनी भी धुलाई एंड क्लीनिंग है गोश्त की वो सारी उन्होंने की है। तो मैं उसमें थोड़ा सा पार्ट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अपना थोड़ा सा योगदान दे सकूँ। देखेंगे तो देखिए हल्की सी ब्राउन होना आपकी शुरू हो गई है। ये खड़े मिर्चे डाले हैं। आप भी चिकन बना रहे हैं, कभी आपने चिकन बनाया हो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कॉमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसमें जो है ये हमारा कटा हुआ टमाटर है, ये जाएगा। ग्रेवी थिक हो जाती है टमाटर से, जिसे आप खड़े मसाले का भी चिकन कह सकते हैं। अगर आपने सबा इब्राहिम का ब्लॉग देखा होगा तो उन्होंने बनाया था खड़े मसाले, जो कि हमारे मौधा की रेसिपी थी। तो ये भी हमारा सारा मसाला खड़ा है, कोई भी पिसा नहीं है। ये आपका फूल है, आपका लकड़ी, और वो सारा गर्म मसाला है। इसमें बनाने का मज़ा ही अलग है। ये आपका पूरा जो है तो लहसुन है, तो अब लहसुन डाल दिया है, टमाटर हो गया है। और टमाटर अगर मैं दिखाऊं तो देखिए टमाटर आपका ऑलमोस्ट जो है थोड़ा सा ये गलने से लगा है। इसको अभी और चलाएंगे, जब मसाला प्रॉपर अच्छे से आपका पक जाएगा तब इसमें हम चिकन छोड़ेंगे। तो ये दोनों जो परात में आपका चिकन है, ये टोटल चिकन आपका 5 किलो है। यहाँ पे हम इसका तैयार कर रहे हैं आपका पिसा मसाला लाइक मिर्चा है और इसमें धनिया है और हल्दी है, और आपका चिकन मसाला भी अशोका का ऐड करेंगे, और ये आपका जो रेड चिली है ये ऐड करेंगे, हल्दी, क्योंकि हमारा ज़्यादा गोश्त है इसलिए हम ज़्यादा हल्दी डालेंगे ताकि प्रॉपर अच्छे से उसमें उसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। तो तीखी मिर्च हो गई, देखिए इसका जो कलर है ना वो डिफरेंट है, एंड जो ये रेड चिली है इसका कलर एकदम डिफरेंट है। वो कश्मीरी अच्छा, ये तीखी है और वो कश्मीरी है। और इसको अच्छे से मैशअप कर लेंगे। इस मैशअप करने के बाद फिर इसको हम आपके भगवाने में डालेंगे। पानी एंड अभी देखते हैं कि भगोने में जो हमारा मसाला भुंज रहा है उसका क्या हाल है। हमारे जो भगोने में भुंज रहा है मसाला, इसको ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आधा घंटा के आसपास हो गया, और ये काफ़ी हद तक भुंज गया। हमने इसमें डाल दिया आपका पूरा मसाला, और ये थोड़ा सा पानी और इसमें हम ऐड करेंगे, और पानी को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा खंगाल लेंगे। खंगालने के बाद इसको हम इसी भगोने में पलट देंगे। तो अब क्या है कि हमारी जो ग्रेवी है वो माशाल्लाह से बहुत एकदम थिक हो जाएगी, और इसमें हम और पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी आपका थिन हो जाए। फाइनल आपका जो ये हमारा चिकन है जो कि धुल के रेडी है, देन ये हमारा जा रहा है मसाले पे, और अच्छी तरह से ये मसाले में डूब जाएगा, एकदम रसीला एंड जूसी हो जाएगा। पूरा कलेजी का पूरा पीस ही काट दिया आई थिंक। आप चिकन बनाइए, एक चीज़ का हमेशा याद रखिए कि भाई चिकन के जो पीसेस हैं वो बहुत बड़े ना कटाइए, मीडियम साइज रहे। कोशिश करिए जो चौकोर हो यानी कि चारों तरफ से इक्वल पीस हो ना, वो सबसे बेस्ट होता है फॉर द चिकन के लिए या फिर आपका फ्राई के। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, तो देखें क्या कंडीशन है। ओहो माशाल्लाह से भाई देखो ये प्रॉपर आपका जो है, और हमने बहुत ज़्यादा आपका जो है इसमें सीरा यानी कि सीरा बोलते हैं मौधा में, एंड इसमें रसा नहीं करा है, नहीं तो फिर वो कहना पानी। अब ये पानी जलेगा, और पानी डाला ही नहीं है, अभी पानी डाला ही नहीं, जो हमारा ग्रेवी थी वो पूरी, और ये हमारा चिकन में जो पानी छोड़ा है ना वो पानी है, क्योंकि चिकन भी आपका काफ़ी पानी आपका छोड़ता है। तो भाई जो हमारा चिकन है वो माशाल्लाह से रेडी हो गया है, लास्ट बचा है, ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको बंद कर सकते हैं और रेडी हो जाएगा। भाई माशाल्लाह से ये हमारा खड़े मसाले का चिकन, और बहुत ज़बरदस्त आपका हो गया है भाई, बहुत खतरनाक वाला है ना, मज़ा आ जाएगा। तो भाई वाह माशाल्लाह, देखो ये आपका प्रॉपर अच्छे से गला हुआ है, और देखने में माशाल्लाह से बहुत लजीज लग रहा है भाई माशाल्लाह से। बोलो नीलू आओ यार, जिनको लैग ना मिले उनके लिए भाई सॉरी। सो गाइस फाइनली हमारा रेडी हो गया आपका खड़े मसाले का चिकन, एंड ये आपका ये देखिए ज़बरदस्त, मतलब कि प्रॉपर ये देखिए लेग पीस कितना ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है। अभी हम ट्राई भी करेंगे। बस भाई माशाल्लाह भाई, सत्संग भाई
भाई बहुत ज्यादा दाल लग रहा है। तो भाई इसको हम ट्राई करके बताते हैं कि ये आपका है कैसा एंड कितना लजीज है। एकदम जूसी है, देख रहे हैं प्रॉपर अच्छी तरह से, देखिए गला हुआ है और बहुत एकदम जूसी है, मतलब बहुत लजीज है। इसको हम ट्राई करते हैं पहले ऐसे ही। जूसी के साथ साथ इसका जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से आपको गला हुआ है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी है। मतलब लड़कों ने जिस तरीके के खड़े मसाले का आपका चिकन बनाया है ना, वो बहुत लजीज है। आई नो कि भाई रेस्टोरेंट में आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, बट जो एक लड़कों ने बनाया है, मिल के बनाया है, वो जो पिकनिक वाला फील है ना, वो प्रॉपर आ रहा है। तो बस इसको हम खाते हैं और खाने के बाद सीधे आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये हमारा खड़े मसाले का जो चिकन है एंड हमारी मस्ती पसंद आई हो, तो बस इस वीडियो को जल्दी से जाके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड आपकी क्या रहा है एंड आपने अपना कैसा एक्सपीरियंस किया है, आपने कभी अपने दोस्तों के साथ खाना वाना बना के ये एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। बस इसी के साथ मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बेटे के शब्द, अल्लाह हाफिज़।